वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। प्लस वन कॉमर्स सेक्शन के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आज हम एक बार फिर लेखांकन अवधारणा या लेखांकन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, डॉल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट, यदि कंसेप्ट जो है वो हमने पढ़ी थी। आज वो जो आज हम जो है वो फिर लेखांकन अवधारणा और परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें हमारे पास है सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग या बैचिंग कंसेप्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मैचिंग कंसेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। आय और व्यय के मिलान की परंपरा या आय और व्यय के मिलान का सिद्धांत। प्रत्येक जो व्यवसाय है उसकी स्थापना लाभ कमाने के लिए होती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यवसाय का लाभ तभी ज्ञात किया जा सकता है यदि जिस अवधि का हम लाभ ज्ञात कर रहे हैं उस अवधि के सभी एक्सपेंसेस व्यय जो है और सभी आय जो है इनकम जो है उनका मिलान किया जाए। क्लियर? क्योंकि एक व्यवसाय में जो भी विक्रय होता है, सेल होता है, वो सारा ही उसका लाभ नहीं होता। उस सेल को करने के लिए जो है व्यय करने पड़ते हैं, उन व्ययों को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे ही लाभ कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार जब किसी भी व्यवसाय का लाभ ज्ञात किया जाता है तो उस अवधि से संबंधित सभी आयों और व्ययों का आपस में मिलान किया जाता है, अर्थात वे सभी व्यय शामिल किए जाते हैं जिनका या तो भुगतान कर दिया हुआ है या जिनका अभी भुगतान करना है। इसी तरह वे सभी आय शामिल की जाती हैं जो या तो नगद में प्राप्त हो चुकी हैं या फिर अभी वो नगद में प्राप्त होनी है, और जो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं या ऐसी इनकम जो हमें पहले ही मिल गई है उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर? तो इस अवधारणा के अनुसार किसी भी व्यवसाय का सही जो है वो लाभ तभी ज्ञात किया जा सकता है अगर उस व्यवसाय के उस अवधि के सभी आय और व्ययों का मिलान किया जाए। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रियलाइजेशन, आय प्राप्ति की अवधारणा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार जो है वो किसी भी व्यवसाय में जो है वो आय तभी कमाई हुई मानी जाती है जब वो प्राप्त कर ली जाती है। क्लियर? आय प्राप्त होने से अभिप्राय यहां ये है कि चाहे वो नगद में प्राप्त हुई है या नगद में प्राप्त होने से नहीं है बल्कि उस आय को उत्पन्न होने से है। इस अवधारणा के अनुसार हमारे पास जो है यदि जो है किसी वस्तु की बिक्री की जाती है तो जब वस्तु का हस्तांतरण क्रेता को कर दिया जाता है तो उसे आय मान लिया जाता है, और जब किसी व्यक्ति को माल नगद बेचा जाता है और उससे जब राशि प्राप्त कर ली जाती है तो उसे आय माना जाता है, और प्रोडक्शन के आधार पर जब किसी वस्तु का उत्पादन कर लिया जाता है तो उतनी आय मान ली जाती है जितनी राशि का उत्पादन कर लिया गया है। तो ये है हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा, आय प्राप्ति की अवधारणा। आय प्राप्ति की अवधारणा का मतलब ये है कि आय को कब प्राप्त हुआ माना जाता है। तो उधार बिक्री के केस में जब माल बेच दिया जाता है, क्रेता को उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है, ठीक है, और नगद जब हम बेचते हैं तो आय तब प्राप्त हुई मान ली जाती है जब हमें राशि मिल जाती है, ठीक है, और जब हम उत्पादन करते हैं तो आय तब प्राप्त हुई मान ली जाती है जब उस वस्तु का उत्पादन कर लिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट अवधारणा है हमारे पास अक्रूअल कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं उपार्जन। उपार्जन अवधारणा के अनुसार जो है वो आय को तब प्राप्त हुआ माना जाता है या आय को तब लेखा पुस्तकों में लिखा जाता है जब वो कमा ली जाती है या अर्न कर ली जाती है, ना कि तब जब रोकड़ में वो प्राप्त की जाती है। उसी तरह
व्यवसाय में व्यय को तब लिखा जाता है जब व्यवसाय में वो व्यय किया जाता है, ना कि उस व्यवसाय से संबंधित रोकड़ में भुगतान किया जाता है। इसे हम बोलते हैं उपार्जन अवधारणा। इस उपार्जन अवधारणा के आधार पर ही हम किसी व्यवसाय में उधार और नगद दोनों तरह के लेन देनों को लिखते हैं। क्लियर? तो ये थी हमारे पास लेखांकन अवधारणाएं। अब हमारे पास लेखांकन परंपराएं, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसे बोलते हैं। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो है वो कस्टम्स होते हैं, रिवाज होते हैं, ठीक है, जिनको जो है वो लेखांकन या लेखापाल जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आम सहमति से मान लेते हैं। ये वो मान्यताएं हैं जिन्हें लेखा पुस्तकों में हम जो है वो लेन देनों को लिखने से पहले अज्यूम करके चलते हैं, मतलब मान कर चलते हैं। इनके अंतर्गत जो है हमारे पास, जैसे सबसे पहले है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कौन सी है हमारे पास? सबसे पहली अवधारणा जो है वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, या इसको प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार या इस परंपरा के अनुसार जो है व्यावसायिक लेन देनों को जब हम लिखा पुस्तकों में किसी संस्था में लिखते हैं तो प्रत्येक वर्ष जो है वो एक जैसी लेखांकन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम अलग अलग वर्ष में अलग अलग लेखांकन विधियों का प्रयोग करेंगे तो हम प्रत्येक वर्ष में निकाले गए लाभ या हानि का आपस में उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे। और जब हम आपस में लाभ हानि की, आय व्ययों की तुलना नहीं कर पाएंगे तो हमें व्यवसाय में यह पता नहीं चलेगा कि हमारे खर्चे जो हैं वो पिछले वर्ष की तुलना में बड़े हैं या कम हुए हैं, आय बड़ी है या कम हुई है, संपत्तियों की वैल्यू बड़ी है या कम हुई है, दायित्व बड़े हैं या कम हुए हैं। इसलिए इस अवधारणा के अनुसार जो है, इस कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अनुसार जो है वो प्रत्येक व्यवसाय में हर वर्ष जो है वो एक जैसी लेखांकन पद्धतियों अर्थात विधियों का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। क्लियर? नंबर दो है हमारे पास कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कौन सी है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब इस सिद्धांत के अनुसार जो है या इस अवधारणा के अनुसार जो है वो व्यवसाय में जो है वो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो लेखा पुस्तकों में जरूर लिखनी चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में जो है वो विभिन्न प्रयोगकर्ता, जैसे लेनदार हुए, विनियोगकर्ता हुए, सरकार हुआ, स्वामी हुआ, इम्प्लाइज जो हुआ, उन्हें जो है वो महत्वपूर्ण जो वो निर्णय लेने के लिए जो है वो सही सूचनाओं की जरूरत होती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जब भी लेखा पुस्तकें बनाई जाती हैं तो लेखा पुस्तकों में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जो है वो निष्पक्ष रूप से ईमानदारी से प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि जो प्रयोगकर्ता होते हैं वो महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए जा सके। अब इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो व्यवसाय में जो छोटे छोटे खर्चे किए जाते हैं उन्हें जो है वो आप इकट्ठे ग्रुप में करके जो है वो लिख सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी, जिसको हम सारता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस मान्यता के अनुसार जो है वो व्यवसाय में जब हम सूचनाओं को लिखते हैं तो केवल जो है वो महत्वपूर्ण सूचनाएं ही जो है वो लेखा पुस्तकों में लिखनी चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण सूचनाएं कौन सी होती हैं? वे सूचनाएं जो विनियोगकर्ताओं को निर्णय लेने में प्रभावित करती हैं। अच्छा, ऐसी बहुत सी सूचनाएं होती हैं जो
व्यवसाय में जो है वो महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन अगर उनको हम लेखा पुस्तकों में नहीं भी लिखते हैं तो भी उनका निर्णय पर जो है वो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो किसी व्यवसाय ने जो है वो लोन्स लिया हुआ है बैंक से, ठीक है, 10 लाख रुपया। तो ये लोन अगर आप व्यवसाय के दायित्व पक्ष में लिख देते हैं तो ये महत्वपूर्ण सूचना है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये जो लोन जो है वो व्यवसाय में जो है वो कैसे लिया गया है, ये लोन के लेने के लिए जो है वो व्यवसाय में कौन कौन सी संपत्ति जो है वो मॉर्टगेज के रूप में बैंक में रखी हुई है, ये जरूरी जो है वो नहीं है। उसी तरह मान लो किसी व्यवसाय में स्टेशनरी पे बहुत सा खर्चा होता है, जैसे पेन खरीदे, रिफिल खरीदे, कार्बन पेपर खरीदा, स्याही खरीदी, ठीक है, ये बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। तो अलग अलग ये बताने की बजाय कि पेन इतने के खरीदे या कार्बन पेपर इतने के खरीदे या स्याही इतने के खरीदे, हम टोटल स्टेशनरी का इतना रुपए खर्चा हुआ यही लिखेंगे। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि केवल महत्वपूर्ण ब्रीफ में इंफॉर्मेशन जो है वो व्यवसाय द्वारा जो है वो लेखा पुस्तकों में लिखनी चाहिए, ताकि जो है वो लेखांकन सूचनाएं सही भी हो और जो लेखा पुस्तकें हैं उनमें जो है वो वल्की ना बन सके। मतलब हर तरह की इंफॉर्मेशन अगर आप लिखेंगे तो वो जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। क्लियर। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है या इस परंपरा के अनुसार जो है वो किसी भी व्यवसाय में जो है वो प्रोस्पेक्टिव, मतलब जो भविष्य में होने वाले जो हानियां होती हैं या जो खर्चे होते हैं उन्हें जो है वो लेखा पुस्तकों में लिख लिया जाता है, मतलब उनकी व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है। लेकिन भविष्य में कोई लाभ होने वाला है, ठीक है, उन्हें जो है वो लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। इसी सिद्धांत के अनुसार जो है मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूं कि किसी भी व्यवसाय में जब स्टॉक जिसे हम बोलते हैं अंतिम रहतिया जिसे हम बोलते हैं उसे जब हम लिखते हैं तो मार्केट प्राइस और जो लागत मूल्य होता है उनमें से जो कम मूल्य होता है उस पर हमेशा जो है वो लिखा जाता है। क्लियर। उसी तरह जो विनियोग किए हुए हैं उनकी राशि भी जब व्यवसाय में लिखी जाती है तो वो भी लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो कम होगा उस पर लिखा जाता है। और स्थायी संपत्तियां मैंने आपको पहले भी बताया है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में कि जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उन्हें उनमें से जो है ह्रास की राशि जो है वो निकाल कर लिखा जाता है। उसी तरह जो है वो प्रोविजन जो है वो जिन्हें हम उधार सेल करते हैं उनसे अगर कोई राशि नहीं मिलती है तो उसके लिए भी जो आयोजन जो है वो रखे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने वो व्यावसायिक कंसेप्ट जिसको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी कहते हैं वो डिस्कस की, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर जो है हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशन जो है वो डिस्कस की। कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैंने आपको पहले भी बताया ये एक लैंग्वेज में एक ग्रामर का काम करते हैं, मतलब इनके ज्ञान के बिना जो है ये नियम है, ये जो है वो नियम है, नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, जिनको जो है वो लेन देनों को लेखा पुस्तकों में लिखते समय जो है वो फॉलो किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। थैंक यू वेरी मच।